हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके पर्स भी बहुत अच्छे होंगे। भाई आज बात करेंगे कंडम मेल के बारे में, जो मेल से मेल पेयर लगा लेता है। एक्चुअली में हुआ ये था, ये जो मेरा पेयर है इसमें दो बर्ड्स पहले से पड़े हुए थे, एक मेल और एक फीमेल, आपने वीडियो में पहले देखा होगा। तो हुआ ये था कि ये जब पेयर बन गया था तो वो जो कंडम नर था मेरा, मतलब मेल जो कंडम वाला था, वो जो है ना ही इनको मीट करने देता था और ना ही, अगर मादी मटकी में जैसे ही जाती थी तुरंत लड़ने लगता था और नर से नर वो मीट करता था। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मैंने इसको अलग ही स्केज में डाला है अभी, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी नाक वगैरह चेक करिए, ये करीब ना ही तो मादी की तरह है और ना ही ये नर है, क्योंकि इसको लाए हुए लमसम हो गया है, 4 से 5 महीने होने वाले हैं ये। जब और सब जितना टाइम और सबको लाए हुए हुआ है उतना ही टाइम इसको भी हो गया है, और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जैसा कि इसकी आप नाक चेक कर सकते हैं, देखेंगे उसी तरह से इसकी भी नाक है। जैसे ये मेल की देखिए, इसकी नाक थोड़ी चेंज है और उसकी एकदम मादी की तरह भी नहीं है, ये मादी की जैसा आप ये देख सकते हैं। ये फीमेल है, इसकी नाक कुछ अलग है और उसकी नाक कुछ अलग है। और दिक्कत क्या आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि ये जो है ना पेयर नहीं बनाने दे रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार मटकी में भी जा रहा था और लड़ाई कर रहा था और मेल से मेल का ये दाना बदलता था। और बात की जाए अगर ये मादी है तो ये मादी भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसके जो सारे सिम्टम्स मतलब देखने में पता चल रहे थे वो नर वाले हैं, मतलब मीट करना और ये वो उस तरह से था, मगर इसका नर के साथ हो रहा था। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको अलग कर दिया जाए, तो मैंने इसको पकड़ करके अलग कर दिया था। अभी 2-3 दिन हुआ था इसको अलग किए हुए। और फिर हुआ क्या कि आज ही मैं इसको एक दूसरे केज में रखना चाह रहा था, छोटे केज में। तो हुआ ये कि जैसे ही मैं इसको पकड़ने चला और मेरा गेट खुल गया और मैंने हाथ जैसे ही डाला, ये नीचे से निकल गया और उड़ गया तुरंत। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, यार उड़ गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। होता क्या कि मतलब मैं जब से लाया हूँ करीब 4 से 5 महीने होने वाले हैं मेरे बर्ड्स को, और मैं इनकी बहुत केयर किया हूँ और एक भी बर्ड्स में मरने नहीं दिया, मतलब कई बार इनको लूज मोशन लगे और भी बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनसे प्यार करता हूँ। वीडियो बनाने का ये मकसद है कि हो सकता है जिन लोगों के पेयर ना लग रहे हो भाई, वो चेक करें, हो सकता है इस तरह का कोई मेल उनके उनके पास भी हो और उनको भी यही प्रॉब्लम आ रही हो कि यार ये पेयर नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं पेयर नहीं बनना है, पेयर नहीं बनना है, तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ चेक करें कि इस तरह का कोई मेल या फीमेल तो नहीं है। बाकी चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।